पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ शीतकालीन गद्दर स्थल मक्कू मठ में विराजमान हो गए हैं। अब 6 महीने भगवान के शीतकाल गद्दी स्थल में ही पूजा अर्चना की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। बता दें कि श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट 1 नवंबर को बंद हो गए थे। वहीं तुंगनाथ भगवान की देवडोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री मार्कंडेय मंदिर मक्कूमठ पहुंची। यहां मौजूद हजारों भक्तों ने भगवान का भव्य स्वागत किया। वहीं मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। इसी के साथ आज से यहां पर बाबा तुंगनाथ की शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने देव भोज प्रसाद ग्रहण कर भगवान तुंगनाथ का आशीर्वाद भी लिया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। भगवान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की डोली अपने कैलाश धाम से चलकर विभिन्न पड़ावों से होते हुए स्थानीय गांव मक्कूमठ पहुंची, जहां हजारों की तादाद में भगवान तुंगनाथ के जयकारों के साथ सभी भक्तों ने भगवान तुंगनाथ का जयकारों के साथ स्वागत किया और उसके उपरांत दिन भर चली पूजाओं अर्चनाओं के साथ भगवान तुंगेश्वर का भगवान के यहाँ पर जो है जो कपार के दिन होते हैं वो हमारे ये जश्न पर होते हैं। और उसके बाद दिन जो हुआ हमारा 1 तारीख को वो कपार बंद होने का हुआ, और उसके बाद सारे कपार बंद प्रक्रिया पूरी करके रात्रि विश्राम के लिए जो हमारे चौपता नामक स्थान पर आए। चौपता नामक स्थान पर जो है रात्रि विश्राम के बाद दूसरे दिन आज दिनांक 3 नवंबर 2023 को, जैसा कि विनती है कि 1 नवंबर 2023 को हमारे भगवान तुंगनाथ जी कपाट बंद हुए, और आज 3 नवंबर 2023 को भगवान तुंगनाथ जी चल रहे मक्कूमठ मंदिर मक्कूमठ पहुँचे। और इसके लिए भगवान का जो विराजमान स्थिति है वो भी हमने देखी हुई है। मैंने जो